होस्ट कंट्री तो उज़्बेकिस्तान है, लेकिन सोचिए जरा हिंदुस्तान के रंग वहां बिखरे हुए हैं। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त एसईओ समिट की कवरेज के लिए उज़्बेकिस्तान में हैं। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद से ब्रह्म प्रकाश दुबे ने बुलेट ट्रेन से समरकंद तक की यात्रा की और इस दौरान ट्रेन में ही ब्रह्म प्रकाश दुबे को नजर आ गया उज़्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, नृत्य, योग और बॉलीवुड को किस तरह पसंद किया जाता है। एससीओ समिट में आपको हिंदुस्तान की संस्कृति के रंग भी दिखाई देंगे और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बॉलीवुड स्टार से बात करने के लिए यहाँ की लड़कियों ने हिंदी तक सीख ली है। कोई शाहरुख का फैन है, दिल चीज क्या है, कोई रेखा का फैन, मेरे जान लीजिए चांद सिफारिश यू कर दहमाही, और किसी को आमिर खान भाते हैं। ये तमाम चेहरे उज़्बेकिस्तानी हैं, लेकिन इनके दिल में हिंदुस्तान मौजूद है। उज़्बेकिस्तान में भारतीय संस्कृति किस तरह रची बसी है ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे, साथ ही गर्व भी करेंगे। योग, नृत्य, हिंदी और बॉलीवुड भारत और उज़्बेकिस्तान के रिश्ते को और मजबूत करता है, जिसकी एक झलक हमने ताशकंद से समरकंद के बीच बुलेट ट्रेन की यात्रा में भी देखी। उज़्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट है, जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं और चीनी राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति, साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी। हम इस वक्त ताशकंद से समरकंद की ओर जा रहे हैं बुलेट ट्रेन से। तमाम उज़्बेकिस्तान के नागरिक इस ट्रेन में मौजूद हैं। आपको ये तस्वीर दिखाते हैं और साथ में वो तस्वीर भी दिखाते हैं जो एससीओ समिट में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर उज़्बेकिस्तान के जो छात्र हैं वो भारतीय जो नृत्य है उनको परफॉर्म करेंगे, गाने, भारतीय गानों को गाएंगे। तो वो ये तमाम वो भारतीय वो उज़्बेकिस्तान के ये तमाम वो छात्र हैं जो भारतीय कल्चरल सेंटर में सीख रहे हैं नृत्य कला को, गानों को और बहुत सारी जो भारतीय कलाएं हैं। ये तमाम उज़्बेक छात्राएं एससीओ समिट में योग, कथक नृत्य और दूसरे भारतीय नृत्यों का प्रदर्शन करने वाली है। इसके अलावा ये तमाम छात्राएं बॉलीवुड की भी दीवानी है। ये मतलूबा है, इनसे बातचीत की शुरुआत हुई तो सबसे पहले नमस्ते बोलकर इन्होंने दिखा दिया कि उनके दिल में हिंदुस्तान की तहजीब किस कदर बसी है। सबसे पहले नमस्ते। नमस्ते। आप हिंदी बोल लेते हैं? जी हाँ, मैंने हिंदी सीखी थी बहुत सालों से पहले। और क्या नाम हुआ? मेरा नाम मतलूबा है। मतलूबा जी हाँ। तो आप हिंदी जानती, हिंदी गाने भी गाते हैं? जी हाँ, हिंदी गाना गाती हूँ, डांस करती हूँ ऐसा। आप लोग एससीओ समिट में जा रहे हैं, वहाँ परफॉर्म करेंगे? जी हाँ, हम वहाँ परफॉर्म करेंगे भवाई डांस, कथक क्लासिकल डांस और फोक राजस्थानी ऐसा और भी है। तो आप लोग हिंदी गाने भी तमाम लोग सारे लोग गाते हैं? जी हाँ, क्योंकि हमको बहुत इंडिया का गाना, डांस, मूवी, एक्टर, एक्ट्रेस सब पसंद है, कल्चर पसंद है, सारे पसंद है, खाना, फ्रूट्स सब पसंद है। इन उज़्बेक छात्राओं की हिंदी सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन जब आपको ये मालूम चलेगा इनमें से कुछ ने हिंदी क्यों सीखी तो आप और ज्यादा हैरान होंगे। मेरी शाहरुख खान जी है, वैसे मुझे हिंदी सीखने में शाहरुख खान जी के वजह से, मतलब बचपन में शाहरुख खान जी की से जी का मूवी देख के मुझे शाहरुख खान जी के साथ बात करने के लिए मैंने हिंदी सीखी। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने 3 बार मुंबई आए, उन्होंने घर पे आए बट नहीं मिल पाए। वैसे हो सकता है भारत में भी बहुत से लोगों को ये गीत याद न हो, लेकिन उज़्बेकिस्तान शाहरुख का दीवाना है। मतलूबा को शाहरुख पसंद है तो शहनोजा को बॉलीवुड की उमराव जान यानी रेखा। गीत के साथ शहनोजा के चेहरे पर आप रेखा जैसी अदाएं भी देख सकते हैं। दिल चीज क्या है आप मेरे जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। वैसे रूस और उज़्बेकिस्तान में राज कपूर भी काफी मशहूर थे। शहनोजा का अगला गीत उन्हीं की फिल्म से है। खास बात यह है कि सिर्फ गीत नहीं, हिंदी फिल्मों के नाम भी उज़्बेक छात्राओं को याद है।
ये मेरा प्रेम पत पत कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम